बिजनेस को देने उड़ान बिहार टीवी पर फेसबुक पेज और चैनल के द्वारा ऑनलाइन विज्ञापन का प्रसारण किया जाएगा। अपनी दुकान, स्कूल, कोचिंग सेंटर एवं अन्य किसी भी प्रकार के विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9576982077। खुल गया श्रद्धानंद प्लस 2 विद्यालय बेलछी शरीफ मानपुर बिहार शरीफ नामांकन जारी है। छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य के साथ चरित्र निर्माण हो सके, नामांकन के लिए अभी संपर्क करें 9955730426। नमस्कार, मैं हूं नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार टीवी। महान स्वतंत्रता सेनानी व किसानों के नेता गुरु सहाय लाल की 131 जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह समेत कई अधिकारी और बुद्धिजीवियों ने अंबेर चौक स्थित उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि गुरु सहाय लाल प्रतंत्र भारत के महान सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि किसानों के मुक्तिदाता और एक महान समाज सेवी थे। हम आपको बता दें कि गुरु सहाय लाल का जन्म 11 अगस्त को नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड के बादी गांव में हुआ था। वर्ष 1924 में बिहार उड़ीसा राज्य के विधान परिषद के लिए पूरी पटना के बाहरी निर्वाचन क्षेत्र से इन्हें सदस्य के रूप में चुना गया था। वर्ष 1937 में बिहार में पहली बार देसी सरकार की स्थापना मोहम्मद यूनिट के नेतृत्व में हुई थी। इस मंत्रिमंडल में गुरु सहाय लाल जी को राजा स्वयं विकास मंत्री बनाया गया था। मंत्री बनने के बाद उन्होंने दफा 12 के तहत संशोधन कर पार्लियामेंट दिल्ली से पारित करवा कर खेती करने वाले छोटों किसानों को जमींदार के शोषण और जुल्म से मुक्ति दिलाया था। ग्रामीण बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाने के लिए उन्होंने वर्ष 1940 में टेक नारायण उच्च विद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा भी वे कई तरह के जन सरोकार कार्य किए थे जिसके कारण जिले में उनकी एक अलग पहचान थी। आज हमारे जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ ही प्रख्यात शिक्षाविद थे स्वर्गीय गुरु सहाय लाल जी, उनके यहाँ पर जो मूर्ति है किया। हम लोग उनसे यही सीख लें कि आज के समय में जो शिक्षा और उसमें जो मूल्य है उसके प्रति जिस तरीके से उन्होंने उसको बढ़ावा दिया, उसको लेकर के सदैव उन्होंने प्रयास किया, वो बढ़ाने की जरूरत है। इसी प्रेरणा से की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।